Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says find the ratio of the mean speed of hydrogen molecules to the mean speed of nitrogen molecules in a sample containing a mixture of two gases. Fine. So देखो हमारे पास एक गैस का सैंपल है एंड इस सैंपल में हमारे पास हाइड्रोजन भी है एंड नाइट्रोजन भी है. नाउ जो मीन स्पीड होता है गैस मॉलिक्यूल्स का एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम. नाउ जो मीन स्पीड है हाइड्रोजन के लिए दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 8R टेम्परेचर ऑफ दिस सैंपल. लेट से जो सैंपल का टेम्परेचर है गैस के सैंपल का जो टेम्परेचर है दैट इज टी नॉट. इट मीन्स हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो भी टी नॉट होगा एंड नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है उनका भी टेम्परेचर कितना होगा टी नॉट. राइट, ऐसा नहीं है कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा. राइट, एक सैंपल में एक ही टेम्परेचर होता है. सो दैट विल बी टी नॉट डिवाइडेड बाई पाई एंड यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा. सिमिलरली जो मेन स्पीड आएगा नाइट्रोजन के लिए दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 8RT0 डिवाइडेड बाई पाई एंड यहाँ पे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा. नाउ हमें रेशियो फाइंड आउट करना है सो दोनों को डिवाइड कर देते हैं. सो इस तरह से देखो 8 पाई से कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा एंड T0 भी कैंसिल हो जाएगा. सो वॉट यू आर गेटिंग अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. ये देखो ये जो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. राइट, ओके. सो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 28 ग्राम पर मोल एंड हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम पर मोल और इसका रूट. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 14. राइट, सो यही फाइंड आउट करना था. लाइक पॉइंट में आप डेसिमल वैल्यू यू कैन फाइंड आउट यूर सेल्फ. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. कीप वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.